मंडी संसदीय क्षेत्र से रहे पूर्व प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कुछ नेता आपदा की इस घड़ी में सिर्फ फोटो खिंचवा कर चले गए और जो राहत लोगों को मिलनी चाहिए वह आज तक नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा कि सांसद प्रतिभा सिंह भी पिछले 2 सालों से मंडी का पक्ष दिल्ली में मजबूती से नहीं रख पाई। सांसद महोदय एक टूर प्रोग्राम के तहत आई और फिर शिमला चली गई। इसी तरह कई नेता मंडी पहुंचे और फोटो खिंचवा कर चले गए। मंडी से सरोज ठाकुर की रिपोर्ट। आप जानते हैं कि प्रदेश के अंदर जो है टूरिज्म बहुत समय से निगलेक्टेड रहा है और ना ही इसके लिए प्रदेश के माध्यम से कोई बजट एलोकेशन होता है, ना ही इसको डेवलपमेंट करने के लिए कोई रणनीति बनती है। जहां हमारे प्रदेश में आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से एग्रीकल्चर भी प्रभावित हो रहा है, वहां हम अगर इको टूरिज्म को प्रमोट करते तो मैं समझता हूं कि ये आपदा जो आई है इसका उतना खतरनाक रूप नहीं होता। आज आप जानते हैं कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो होटल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा जो है इसकी चपेट में आई है, और जहां हम स्टे अवे होम्स बना रहे हैं, जहां हम खाते खोल रहे हैं, तो ये सारे जो एक हमने फैसले लिए हैं ये सीधे रूप से टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रभावित करते हैं। आज स्टे अवे होम के लिए मैं बात करूं तो उनको GST से बाहर है, कैम्बिट से बाहर हैं, और अगर मैं बार की बात करूं, बार के लिए आपको लाइसेंस चाहिए परंतु हाथे के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूं ये जो एक हमारी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू जो सोच होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, और उसके वजह से जो है एक रैम्पेंट जो डेवलपमेंट टूरिज्म की आप देख रहे हैं, जो अनप्लान्ड टूरिज्म की डेवलपमेंट है, उसके वजह से जो है प्रदेश में जो है जो हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे उसको रेवेन्यू को भी हम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए था टूरिज्म का वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। इसके अंदर अभी हाल ही में बहुत बड़ी आपदा आई है और मैं सारे जो प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ का दौरा किया, सभी लोगों से बात की, और मैंने महसूस किया कि प्रदेश ने जो आर्थिक स्थिति के अंदर गुजर रहे थे उसके बाद जो है बढ़ चढ़ के लोगों की सहायता ज़रूर की है, परंतु उन्होंने एक मापदंड रखा है, सभी जो प्रभावित थे उनके लिए उन्होंने एक मापदंड रखा, और कहीं लोग जो हैं जिनका कुछ भी नहीं रहा हुआ है, मैं समझता हूँ कि प्रदेश के लोगों के लिए जहाँ जिनका बहुत भारी नुकसान हुआ है उनके लिए सरकार को जो है अलग से एक रणनीति बना के उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों के पूरे तरीके से जो है घर चौपट हुए हैं। और मेरा ये उद्देश्य है, केंद्र सरकार से भी मैंने निवेदन किया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो है थोड़े घरों के लिए जो है प्रदेश के लिए अगर केंद्र की तरफ से राहत आ जाए तो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को इसमें जो है हम एक रिलीफ देने का कार्य कर सकेंगे, और यही मेरा मुख्य कारण था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का।